सबसे पहले जय हिंद सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका अपने चैनल सोमेंद्र सीआईएसएफ में। दोस्तों आपको पता है कि आपके एएमडी का विज्ञापन आप कई दिन से पहले से देख रहे होंगे, तो विज्ञापन एएमडी 3/2022 आपका नया विज्ञापन आया है। एएमडी से रिलेटेड मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, एएसओ से रिलेटेड भी, बीआरसी एएसओ को मैंने खुद ने क्वालिफाई किया है। एएमडी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर भी मेरे लगभग 75 से 80 वीडियोज़ ऑलरेडी हैं मेरी प्लेलिस्ट में। आप पिछले वीडियो वो भी सेम है, पर नई वैकेंसी आई है तो नए वीडियो आपको मेरे लिए बनाना ज़रूरी है, तो जान लेते हैं। ठीक है, अभी तक आपके पास एक पुराना नोटिफिकेशन जो आपके लगभग काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, तो नई वैकेंसी आप देखोगे विस्तृत विज्ञापन हिंदी में। आप हिंदी वाले यहाँ से डाउनलोड करें, इंग्लिश वाले यहाँ से डाउनलोड करें। आज ये वीडियो होने वाली है एएसओ के ऊपर, ओनली एएसओ के। देखो मैंने जेटीओ का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आज एएसओ की बारी है और इसके बाद जो वीडियो मिलने वाला है आपको वो सिक्योरिटी गार्ड का मिलने वाला है। ठीक है, तीनों वीडियो आपको लगातार मिल जाएंगे, क्या क्या उसमें चाहिए, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कितनी फ़ीस लगेगी, ये सब आगे जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, विस्तृत विज्ञापन आप इंग्लिश में डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, फिर भी मेरा इस वीडियो में बताना ज़रूरी है कि देखो आपको इसका नाम है एएमडी, ऑटोमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट परमाणु खनिज अन्वेषण। ठीक है, इसको एएमडी बोलते हैं, ऑटोमिक डिपार्टमेंट है भारत में सभी जगह, आपको वहाँ से ये वैकेंसी आई है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसमें पिछले वीडियो में बता दिया, फिर भी 29 तारीख से आपके, मतलब आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं, 17 नवंबर तक आपने चलने वाले हैं, 20 दिन आपको टोटल मिले हैं, लास्ट डेट है आपकी 17 नवंबर रात के 12 बजे तक। ठीक है, टेंटेटिव डेट है फिजिकल टेस्ट की, और जो फिजिकल आपका एएसओ में होगा सिक्योरिटी गार्ड में वो दिसंबर माह में, फिक्स नहीं है डेट पर दिसंबर में हो जाएगा आपका। ठीक है, टेंटिव डेट है एग्ज़ाम फर्स्ट, जो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है, ये अच्छी बात है। पिछली बार की एग्ज़ाम क्या होता था आपकी, पिछली बार की एग्ज़ाम हुई थी वो भी कंप्यूटर बेस्ड हुई थी, जो हमारी बीआरसी की हुई थी वो ऑफलाइन हुई थी, तो ऑनलाइन में ये बेनिफिट रहेगा, आपके नज़दीकी सेंटर आपको इसमें सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, लेवल फर्स्ट की एग्ज़ाम है सिक्योरिटी गार्ड की, और इसमें जेटीओ की जो जनवरी में फिक्स की गई है, एएसओ वाली और जेटीओ की सेकेंड एग्ज़ाम है जो आपकी फरवरी में फिक्स की गई है। तो एएसओ के लिए ये वीडियो है मेरा पर्टिकुलर, तो एएसओ की एग्ज़ाम आपकी फरवरी में होगी और फिजिकल आपका होगा 2022 में, एग्ज़ाम होगी 2023 के फरवरी में। ठीक है, फिजिकल और फरवरी आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, फिजिकल के लिए आपके पास 1 मंथ बचा है। देखो इसमें क्लियर लिखा गया है कि आपको ये फॉर्म ऑनलाइन मोड फिल करना है, मतलब ऑनलाइन फिल करना है, आप कंप्यूटर और मोबाइल से दोनों से फिल कर सकते हो। एक फॉर्म कैसे फिल करें इसकी वीडियो मैं जल्दी ले आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधा नीचे चलते हैं, इसमें क्लियरली जब एएसओ पे बात होगी, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है। ठीक है, और आपको पे लेवल ये मैं यहाँ से क्लियरली 35,400 आपको बाई हैंड फर्स्ट दिन जिस बार आप ज्वाइनिंग करोगे इसको मिल जाएंगे, आपको इससे ज़्यादा मिलेगा, बट ये बेसिक आपका दिया गया है। लेवल 6 की वैकेंसी है और आपकी ये पोस्ट है ग्रुप बी में आती है, ABCD आपको डिवाइड किए गए पोस्ट, तो ये बी वाली पोस्ट है आपकी, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे क्या डिवाइड किए गए हैं कि कितनी पोस्ट है। टोटल आपकी 38 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 आपकी SC में है, 3 आपकी ST में है, OBC को 14 दी गई है, EWS को 3, और UR कैटेगरी वालों को, मतलब जनरल वालों को 15 वैकेंसी इसमें दी गई है, जो काफ़ी है। जो मैंने पास की थी उस टाइम हमारी सिर्फ 19 वैकेंसी थी। ठीक है, अब की बार 38 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हैं। ठीक है, 1 पोस्ट हैं जो टोटल 38 में से एक सर्विसमैन की, मतलब आप जो नॉर्मल फॉर्म भरेंगे उनके लिए 37 है, एक सर्विसमैन की रखी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना गया है। आपको इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आपने स्नातक की होनी चाहिए, चाहे किसी भी, आपने BCom, कॉमर्स, BTech कुछ भी किया हो, BA किया हो, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एक सर्विसमैन के लिए भी आपको सेम बातें लिखी गई है। ठीक है, और ये नेक्स्ट आपको एज लिमिट जान लेते हैं, एज लिमिट कितनी, 18 से 27 ईयर, जो डेट सबमिट है उसके बीच में आपकी हो जानी चाहिए 18, मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 27। अब इसमें आप ऐड कर लो नॉर्मली में, OBC के लिए 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और ST/SC वालों के लिए 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं 5 ईयर, इसमें बढ़ा लो, जैसे 33 साल उसका होना चाहिए और OBC का होना चाहिए 30 साल, इस तरीके से आपको एज लिमिट इसमें काउंट होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होगा इसमें, तो आपका देखो पहले होगा एक फिजिकल टेस्ट होगा,
उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। तो जो फिजिकल पास करेगा वो रिटन में बैठेगा, इस तरीके से आपका मोड है। तो फिजिकल टेस्ट को शॉर्ट में बोलते हैं पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को नो डेमो टी इसमें लिखा गया है, ठीक है। ये कोई आपके काम का नहीं है, आपको ये जान लेना है यहाँ पे कि किस तरीके से जनरल कैटेगरी के लिए आपको हाइट कितनी चाहिए। जो मेल कैटेगरी है उसको 167 सेमी, सेमी में डिमांड इसमें बोला गया है। जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल है जनरल कैटेगरी, उसको 157 सेमी उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। जो सेकंड है गोरखा हिमाचल प्रदेश नॉर्थ, जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनके लिए 165 एकदम मेल की होनी चाहिए और 155 आपकी फीमेल की हाइट होनी चाहिए। जो थर्ड कैटेगरी में एसटी शेड्यूल ट्राइब दिया गया है, उनकी हाइट है जो मेल की होनी चाहिए 162.5 और लड़कियों की हाइट 154 इसमें दी गई है, ठीक है। हाइट का हो गया आपका। जब आप हाइट पास करोगे तो आप नेक्स्ट आप चेस्ट पे जाओगे, वहाँ पे जहाँ पे आपका फिजिकल होगा। तो आपको चेस्ट में जनरल के लिए आपको यहाँ पे 80 दिया गया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब बगैर फुलाए आपका बगैर फुलाए आपका होना चाहिए 80, आप फुलाने के बाद होना चाहिए 85। सेम इसमें भी सेकंड वालों को दिया गया और थर्ड एसटी एससी को, एसटी वालों को छूट है, एससी वालों को नहीं है, एसटी वालों को छूट है। 77 सेमी आपके मिनिमम होना चाहिए, आपको आपको भी 5 फुलाना ज़रूरी है चेस्ट, तो आपका 82 आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका पहला इवेंट, हाइट और चेस्ट। उसके बाद आपके पहुंच जाओगे फिजिकल इवेंट। इसमें क्या है, फिजिकल इवेंट बहुत टफ है, बहुत टफ का मतलब है जो अच्छी मेहनत करेगा वो ही पास करेगा, ठीक है। तो क्योंकि मैंने दिया है तो मुझे इसका अच्छे से मालूम है क्या क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे फिजिकल इवेंट में सबसे पहले आपको क्या कि इसमें दी गई 1.6 किमी रन, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 रनिंग करनी है। लॉन्ग जंप पे आपका 3.65 मीटर तीन चांस मिलेंगे, 3.65 मीटर का बनता है 11.97 मीटर, तो लगभग आपको 12 फिट आपको ये कूदना है, ठीक है। 12 फिट लॉन्ग जंप है आपका, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। इवेंट पहला इवेंट कौन सा हुआ, ये सब मैं आने वाले फिजिकल वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। मैं एक दिन 1600 मीटर भी रनिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको लॉन्ग जंप करनी। ये सारे वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे पड़े हुए हैं, आपको एक मैंने इस प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके भी देख सकते हो आप। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि किसको क्या चाहिए। देखो थर्ड ये हो गया आपका, फर्स्ट रनिंग हो गई, सेकंड लॉन्ग जंप हो गया, थर्ड में आपको एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया, चिनअप्स होगा आपका, चिनअप्स होगा, एक पुशअप्स और सिटअप्स। देखो जो 30 साल से नीचे वाले लोग हैं जो इस फॉर्म को फिल करेंगे, उनसे 8 मिनिमम आपको 8 लगानी है चिनअप्स। चिनअप्स लगाने का तरीका मैं बताऊंगा, पहले से वीडियो मेरी वो देख लेना, क्योंकि मैंने दिया है जैसे आप चिनअप्स मारते हो वैसे नहीं मारनी वहाँ पे। आपकी चिन उस जो वहाँ पे वो चिन्ह मारने का होता है उस पे ले जाके आपकी चिन टिकनी चाहिए, मतलब आपकी ठोड़ी उससे ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। इसमें दिया गया 8 से 9 और 30 और 40 ईयर वालों को 5 से 6 लगानी है, मतलब 5 से 6 का मतलब 5 आपको मिनिमम लगानी है। 8 पे भी आप पास हो जाओगे, 5 पे भी आप पास हो जाओगे। पुशअप्स है जो 40 और 45 ईयर से ऊपर वाले हैं, 40 और 45 ईयर के बीच वालों के लिए है, 16 से 17 आपको पुशअप्स लगानी है। अबव है आप 45 ईयर से ज़्यादा के हो तो आपको 12 से 13, जो 40 साल से नीचे का है उसको कोई पुशअप्स नहीं लगानी, ठीक है। या आप फिर से सुन लो, 40 साल से नीचे को कोई पुशअप्स नहीं लगानी, 40 साल से एज ऊपर है उनको पुशअप्स लगानी है, सेटअप आपको लगानी है। जो 30 साल से नीचे का है, अप टू 30 साल ईयर दे रखा है, उसको 25 से 29 सेटअप्स, आपको तैयारी पूरी 35 सेटअप्स की करनी है, तब जाके आपसे भी 25 से 30 सेटअप्स लगाने का भी तरीका, मैंने आप मेरी सेटअप्स वाली वीडियो देखना, उस पर लगभग 19,000 व्यूज है, ठीक है। 19,000 व्यूज है मेरी सेटअप्स वाली वीडियो पे, क्योंकि सेटअप्स लगाने का वहाँ तरीका अलग है। आप जो सेटअप्स आप मुझे पता है 100-100 लगा देते हो, बट वहाँ पे एक बार आप सेटअप्स आपके हाथ किस तरीके से रखने, हाथ छूटने नहीं चाहिए, वो पूरी जानकारी मैंने आपको प्लेलिस्ट बन रही है। फिर भी मैं आपको नए नए वीडियो सेटअप्स के लाऊंगा, सेटअप्स इंक्रीज के लाऊंगा, ये आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये और 30 से 40 वालों को 20 से 24, 40 से जो ऊपर हैं उनको 15 से 16 और 40-45 साल से ऊपर हैं उनसे 10 के और 14 के बीच में लगानी है, मतलब 25 आपको मिनिमम लगानी है, क्योंकि लगभग 30 साल से नीचे वाले बंदे इसमें 99% तो 30 साल से नीचे वाले रहेंगे, 1% उससे ऊपर वाले रहेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिजिकल इवेंट आप समझ लेते हैं फीमेल का, ठीक है। मेल का समझ लिया, 800 मीटर दौड़ होगी आपकी लड़कियों की, 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ करनी है। लॉन्ग जंप आपको 22.7 मीटर जो 9 फिट का होगा, ठीक है, आपका क्लियरली लिखा गया है 9 फिट, 30
तीन चांस आपको दिए जाएंगे, मतलब आपको एक चांस में नहीं होता, दूसरे में नहीं होता, तीसरे में, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ लेना। सिटअप्स आपके, और देखो आपको पुशअप्स नहीं है, और आपके क्या है, ये आपका चेस्ट मेजरमेंट लड़कियों का कभी नहीं, कोई किसी भी फिजिकल में नहीं होता, ठीक है। तो चेस्ट आपका नहीं है, सिटअप्स आपको करनी है, आपका ना पुशअप्स है और ना आपका चिनअप है, ठीक है। आपको ओनली सिटअप है। आपका भी सेम है, 30 ईयर्स से आप कम हो तो आपको 20 लगानी है। अगर आप 30 और 40 के बीच में आपकी एज है तो आपको 15 लगानी है। यहाँ पे क्लियर मेंशन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आपका रिटर्न टेस्ट के बारे में थोड़ा स्पीडली जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपका सेकंड इवेंट, जो फिजिकल पास करेगा वो रिटर्न में बैठेगा। चाहे आपके 1000 बच्चे फिजिकल या 1 लाख बच्चे ने भी फिजिकल पास किया, वो सारे बैठेंगे जो फिजिकल। और इसमें एक बात और है, आप किसी भी इवेंट के फिजिकल में फेल हुए तो आपको उसी टाइम आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिटर्न टेस्ट के बारे में, सीधा सा जान लेते हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 90 मिनट आपको इसके लिए दी जाएगी, ठीक है। कंप्रेंशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, जो BRC में आया था, बट अब की बार कंप्रेंशन का क्या है, जो सिक्योरिटी गार्ड में आया था वो सिर्फ इंग्लिश में आया था, ठीक है। तो आपका कंप्रेंशन है जो आपको मान के चलना है, ASO का हमारा हिंदी और इंग्लिश में आया था, जो BRC का मैंने दिया, पर आप इसको देख लेना एक बार, इंग्लिश में आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। 25 नंबर का होगा वो। रिपोर्ट राइटिंग, आपको रिपोर्ट लिखना आना चाहिए, क्योंकि आप 2 स्टार की जॉब है ये, है ना, तो आपको रिपोर्ट लिखना आना चाहिए, 25 नंबर का। और थर्ड आपको एनालिटिकल बेसिक मैथ और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 25 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होगा। इन तीनों पॉइंटों को मैंने अच्छे से ऑलरेडी वीडियो में अच्छे से बता रखा है, आने वाले जब आपकी एग्ज़ाम आएगी या उससे पहले आपको मैं इनके बारे में अच्छे से पेपर इसका आपको दिखा दूंगा, किस टाइप का पेपर आता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन होगा जो रिटन एग्ज़ाम के बेसिक पर होगा, जो आप लिखित करोगे उसके आपके बेसिक होगा। जो डेट में आपसे बड़ा है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, अल्फ़ाबेट में उसका नाम है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ये छोटी सी बात है जो इसमें दी गई है अच्छे से, ठीक है। क्लियरली मैंने सारी बातें आपको बता दी। प्ले लिस्ट में जाके आप पिछले वीडियो मेरे देख लेना, इसके सारे आपको ASO का पेपर मिल जाएगा। और जो भाई देखो, क्लियरली बोल रहा हूँ, जो नए कैंडिडेट है भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको A से लेके Z तक की सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलने वाली है आने वाले दिनों में, ठीक है। और किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, और सिक्योरिटी गार्ड का भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, JTO का मैं बना चुका हूँ, जो भी मुझे लगेगा आपको ज़रूरत है उसके आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोगों को, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये चीज़ें छूटी हैं थोड़े से कि जूनियर, इनको तीनों के लिए आप देख लो एक साथ ही। मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ आपको, 200-200, 100 रुपये आपकी फ़ीस है ना जनरल वालों के लिए, और शायद ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, आपने एक बार कर दिया तो नहीं मिलने वाला है। और किन किन के लिए आपकी फ़ीस नहीं है, देखो इनके लिए कोई पेमेंट नहीं है। कैंडिडेट ऑफ STSC, एक्स सर्विसमैन, पर्सन ऑफ फिजिकल, वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, आपके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, आपके नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और जो भी रूल होंगे इसके मैं आगे आपको वीडियो में बताता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद सभी को, और सब्सक्राइब करके सभी जाना, ठीक है। थैंक यू।